हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ मेरा एक न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। हम उज्जैन ट्रेन से जा रहे हैं क्योंकि अगर हम फ्लाइट से जाएंगे तो हमें फिर मतलब इंदौर जाना पड़ेगा पहले, फिर वहाँ से टैक्सी लेके उज्जैन जाना पड़ेगा। आप चाहे तो किसी चीज़ से भी जा सकते हैं। मैं तो कोलकाता से जा रही हूँ, यहाँ से तो बस भी चलता है, ट्रेन भी चलता है, फ्लाइट भी चलता है। बट फ्लाइट डायरेक्टली उज्जैन नहीं पहुँचाएगा, ट्रेन डायरेक्टली उज्जैन पहुँचाएगा। इसलिए हम ट्रेन से जा रहे हैं, बीच में हमें बार बार टैक्सी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ट्रेन से जा रहे हैं। और मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई है। मैं आपको पीछे से करके दिखाती हूँ क्योंकि ट्रुथ मस्ट बी शोन। यहाँ पर मेरे मेहंदी का अच्छा कलर नहीं आ रहा है, मैंने बहुत ही वो की थी, मैं क्या कहती हूँ, प्रार्थना किया था भगवान से कि भगवान जी मेरा मेहंदी बहुत अच्छा से लगवा दीजिएगा हाथ में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा मेहंदी और ये पीछे का है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ यहाँ तक है, और ये इस हाथ का है। तो हम लोग अभी ओला से जाएंगे हावड़ा स्टेशन क्योंकि हमारा ट्रेन हावड़ा से है। तो अभी हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं, वो भी 45 मिनट पहले, यानी 45 मिनट बिफोर। मतलब क्या हम मतलब आज कितना जल्दी पहुंच गए कोलकाता से हावड़ा, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब इतनी जल्दी तो हम आज तक नहीं पहुंचे थे, हमें लगा था कि हम लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। हम लोग हड़बड़ी में मतलब जल्दी जल्दी करके हम निकले और अब पता चला कि हम लोग कितना जल्दी पहुँच गए। स्ट्रेंज। सो हम लोग अभी आ गए हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं, 10 किलोमीटर चल के आए हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा कंधा टूट गया, मेरा एक बैग ऊपर से ये छोटू सा, ये इतना भारी है, देखने में छोटा लग रहा है, ये तो बड़ा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, दिमाग खराब हो गया मेरा। हम इतने सारे लोगों के साथ जा रहे हैं, बहुत मस्ती करेंगे। ये भी अंकल जा रहे हैं और उधर भी है, उधर भी किधर है, हाँ इधर भी बहुत लोग हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। इस बार इसमें खाना है, इसमें भी खाना है, खाते खाते जाना है। तो ये है हमारा शाम का नाश्ता, मम्मी पापा ने चाय कॉफ़ी लिया है, सबके ही हाथों में मिलेगा आपको। तो गाइस रात हो चुकी है, तो अभी हम करेंगे डिनर और यहाँ पे बच्चों को चिप्स खाने का सीट पे आ गई हूँ। मैं थोड़ी देर अभी अपना वर्क करूँगी, मतलब मेरा दो चार वर्क है स्कूल का, क्योंकि फ्राइडे को बहुत यहाँ बारिश हो रहा था तो मेरा मतलब सारा क्लास नहीं हो पाया था। तो मैं थोड़ा सा वर्क करूँगी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा फोन वोन चलाऊंगी, वैसे तो नेट नहीं पकड़ रहा है, थोड़ा सा कोशिश करूँगी चल जाए, और उसके बाद फिर मैं क्या कहती हूँ सो जाऊँगी, हाँ सो जाऊँगी। तो सुबह हो चुकी है और यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही है, टमाटर प्याज कुकुम्बर कट रहा है। मेरा काम था ब्रेड में बटर लगाने का, तो मैंने ब्रेड में बटर लगा दिया और आंटी अभी उसे सजा रही हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट में है सैंडविच मोती पाक, और ये मैंने अपने मन से लिया है, ये भुजिया है, इसको क्या कहते हैं मम्मी, स्वादी, शायद स्वादी, हाँ इसको स्वादी कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने फ्रूटी लिया है और मेरा नाश्ता खत्म हो चुका है, आंटी कर रही है और बहुत कुछ है खाने को, खाते खाते जाएंगे। अंकल लोग अपना नाश्ता बना रहे हैं, दीदी के चल जाएगी, मम्मी को बोल दे, दीदी के चल जाएगी। और अभी बहुत रात हो गई है तो चलते हैं आगे। तो गाइस हम अपने होटल आ गए हैं अभी जस्ट बिफोर 2 मिनट्स। तो गाइस हम लोग अभी अपने होटल आ चुके हैं और कल सावन का पहला सोमवार है, यानी मंडे है, तो सारे होटल मतलब बुक थे, तो बाबा की कृपा से हमें ये होटल मिल गया, तो हम अभी इसमें रुके हैं। और यहाँ का चेकआउट टाइम 8 o'clock है, मतलब पूरे उज्जैन के होटल का चेकआउट टाइम भी 8 o'clock है। तो हम लोग 27 को यहाँ से चेकआउट कर देंगे 8 o'clock, और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने की 11:10 बाकी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी अपना डिनर करने। तो हम लोगों ने घर जैसी खाने ऑर्डर किया है जिसमें शायद है, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, रायता और ये स्वीट जो है ये वाला नहीं रहेगा शायद, क्योंकि शायद अपने बात कह रहे थे तो मैंने सुना था। और हम लोगों ने ये देसी घी पूरी भी ऑर्डर किया है, हमारा खाना भी आ गया और रायता मिठाई सब आया है। तो गाइस अभी हम अपने होटल आ गए हैं और अभी हम सो जाएंगे, 12 बज रहा है और सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, अभी कितना टाइम हो रहा है, 4:50 हो रहा है, यानी 5 बजने वाला है। हम लोग तैयार हो चुके हैं, बस मेरा भाई बाकी है और मेरे पापा बाकी है बस, और उसके बाद फिर हम लोग महाकाल के दर्शन के लिए निकल जाएंगे।
ये है बाबा का म्यूजियम, जिसमें वो जब भी उनका श्रृंगार होता है तो वो यही पगड़ी पहनते हैं। बड़े सुंदर सुंदर है। पूजा करके आ गए हैं, अब हम लोग लंच करने जाएंगे। बड़ी बड़ी सीढ़ियों को चढ़ के हमें यह मंदिर पार करना पड़ा, मतलब मंदिर नहीं, यह कठिन रास्ता पार करना पड़ा। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में हम जब पूछने गए तो वहाँ पर रेस्टोरेंट बंद था, तो अभी हम आगे चलते हुए जा रहे हैं, कहीं और रेस्टोरेंट खुला तो खाएंगे। हमने खाना खा लिया, दाल बहुत स्पाइसी था, हमें इतना भूख लगा था ना कि हम लोग खाना आने का वेट भी नहीं करते, बोलते एक रोटी तो एक ही रोटी ला के दे दो, हम लोग एक रोटी खा लेते तब तक दूसरी रोटी ला के देते ना, हमें इतना भूख लगा था तो हम आपको दिखा नहीं पाए। तो अब लोग शायद पालकी देखने जा रहे हैं, पालकी जो निकलता है ना महाकालेश्वर बाबा का। पालकी देखने के बाद हम शक्तिपीठ गए और मैंने यहाँ पर एक मिराकल देखा कि जितने भी दिए हैं, बारिश पड़ रही थी फिर भी ये सारे दिए जल रहे थे, एक भी नहीं बुझे। ये हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं, पहले मैं खाऊंगी सैंडविच, उसके बाद खाऊंगी डोसा। ओ वाह, आज मैंने खाया है ये डमरू। अरे बज डमरू, मेरा प्यारा डमरू। तो गाइस सुबह हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे ओमकारेश्वर और उसके बाद फिर इंदौर जाएंगे, इंदौर के मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे मुझे नहीं पता, फिर शायद से वापस कोलकाता चले जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो अभी हम आए हैं खजराना गणेश मंदिर इंदौर, सबसे पहले वही आ गए, बाद में जाएंगे ओमकारेश्वर। खजराना गणेश मंदिर बहुत ही साफ़ सुथरा जगह है, वहाँ पे बहुत सफाई की जा रही थी और सबसे बड़ी बात की वहाँ पे जितने भी मतलब श्रद्धालु पहुँचे थे, जिनका डबल वैक्सीनेशन है वो अंदर जा सकते थे, लेकिन जिनका नहीं है उनका कोविड टेस्ट भी किया जा रहा था बाहर। एंड आई हैव सीन देयर मेनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, जितनी भी मैंने अपने कैमरे में कैद कर पाई है मैं आपको वो सारे दिखाऊँगी। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये, यहाँ पर मोस्टली सारे भगवान जी थे, तो मैंने जिनका जिनका फोटो खींचे हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। A few moments later. तो हम ओमकारेश्वर आ गए हैं, हमें इंदौर से ओमकारेश्वर आने में 3.5-4 घंटा लगा और अभी हम नदी पार करके जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर, क्योंकि मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है ना, आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, पर आप पैदल जाएं चाहे बोट से जाएं आपको ये नदी पार करनी ही पड़ेगी। और इस नदी में शिप्रा नदी और नर्मदा नदी दोनों मिलती हैं और बोट वाले 20 रुपीज़ आने का लेते हैं और 20 रुपीज़ जाने का लेते हैं, यानी एक जन पर 40 रुपीज़ लगता है। तो गाइस हमारी बोट बुक हो चुकी है और वहाँ पे भीड़ तो था, 5 मिनट में गए, 5 मिनट में आए और आधे घंटे में दर्शन हो गया, लेकिन भीड़ था फिर भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम लोग यहाँ एक होटल में रुके हैं, हवा खाते खाते मेरा बाल खराब हो गया तो अभी हम लोग कुछ लंच ऑर्डर करेंगे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं स्टेशन पर, अभी रात के बज रहे हैं 12:20 और हमारा ट्रेन है 1:10 में, तो हम लोग आधा घंटा पहले ही आ गए हैं, अब बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा ट्रेन के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी की जा रही है पर मुझे अभी भी नींद आ रहा है, क्या बोलूँ। तो आज के डिनर में है गाइस पराठा, दाल और बटर पनीर मसाला।
तो गाइस सुबह हो चुकी है, हम लोग कोलकाता पहुंच चुके हैं, 7 बज रहा है और कोलकाता में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ काट दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था इसलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो।